पाठ षष्ठ मम दिनचर्या क्त्वा तुमुन ल्यप प्रत्ययः मम नाम नमनः अस्ति अहम् प्रातः घटिकायाः शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठामि अहम् प्रातः उत्थाय उद्यानं भ्रमितुं गच्छामि तत्र व्यायाम कृत्वा गृहं आगच्छामि मेरा नाम नमन है मैं सुबह घड़ी की आवाज सुनकर उठ जाता हूँ मैं सुबह उठकर घूमने के लिए उद्यान जाता हूँ वहां व्यायाम करके घर वापस आता हूँ गृहं आगत्य दंत धावनं कृत्वा स्वच्छ जलेन स्नात्वा स्वच्छानि वस्त्राणि च धारयामि घर आकर दातून करके स्वच्छ जल से स्नान करके साफ कपड़े पहनता हूँ ततः पूजा गृहं गत्वा ईश्वरं स्मृत्वा च श्लोकान् पठामि गृहात् बहिः स्थितेभ्यः वृक्षेभ्यः जलं प्रदाय तान् रक्षामि उसके बाद पूजा गृह में जाकर और ईश्वर को स्मरण करके श्लोकों को पढ़ता हूँ घर से बाहर स्थित पेड़ों को जल देकर उनकी रक्षा करता हूँ माता पितरौ प्रणम्य फलम खादित्वा पठितुम विद्यालयम आगच्छामि विद्यालये अध्यापकान् नत्वा सम्यक प्रकारेण पठामि माता पिता को प्रणाम करके फल खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय आता हूँ विद्यालय में अध्यापकों को नमस्कार करके अच्छी तरह से पढ़ता हूँ मध्याह्न काले विद्यालयात् गृहं गच्छामि भोजनं कृत्वा स्वल्पकालाय विश्रामं करोमि सायंकाले मित्रैः सह उद्यानं गच्छामि तत्र क्रीडित्वा प्रसन्नः भूत्वा च आगच्छामि दोपहर में विद्यालय से घर को जाता हूँ भोजन करके थोड़े समय के लिए आराम करता हूँ शाम के समय मित्रों के साथ उद्यान जाता हूँ वहाँ खेलकर और प्रसन्न होकर वापस आता हूँ निज कक्षे उपविश्य गृह कार्यम करोमि पाठान संपठ्य रात्रौ दूरदर्शनम पश्यामि दूरदर्शनम दृष्ट्वा प्रसीदामि दूरदर्शनम वीक्ष्य रात्रौ भोजनम खादित्वा जलम पीत्वा दशवादने मातुः पितुः च चरणौ स्पृष्ट्वा स्वपिमि इयं मम दिनचर्या अस्ति अपने कमरे में बैठकर गृह कार्य करता हूँ पाठों को अच्छी तरह पढ़कर रात में दूरदर्शन देखता हूँ दूरदर्शन देखकर खुश होता हूँ दूरदर्शन देखकर रात में खाना खाकर पानी पीकर और 10 बजे माता पिता के चरण छूकर मैं सोता हूँ यह मेरी दिनचर्या है विशेष क्त्वा प्रत्यय इसका अर्थ होता है करके या कर इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है जैसे गम जमा क्त्वा गत्वा जाकर पठ जमा क्त्वा पठित्वा पढ़कर तुमुन प्रत्यय इसका अर्थ है के लिए इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है जैसे खाद जमा तुमुन खादितुम खाने के लिए क्री जमा तुमुन क्रेतुम खरीदने के लिए ल्यप प्रत्यय इसका अर्थ है करके या कर इसका प्रयोग उन धातु के साथ किया जाता है जिनमें उपसर्ग लगा होता है जैसे उत जमा स्था जमा ल्यप
उत्थाय उठकर। वे जमा ज्ञा जमा ल्यप विज्ञाय जानकर। त्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय धातु के साथ लगकर अव्यय पद बनाते हैं। इनके रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होते, अर्थात सभी विभक्तियों पुरुष लिंग और वचन में समान रहते हैं। क्त्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय लगाकर दो वाक्यों से एक वाक्य बनाते समय दोनों क्रियाओं में से पूर्व क्रिया में प्रत्यय लगाकर एक वाक्य बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त दो कर्ता पदों में से एक कर्ता पद का लोप हो जाता है, जैसे लक्ष्यः दूरदर्शनम् पश्यते, लक्ष्यः सभाजन कक्षम् आगच्छते। एक वाक्य लक्ष्यः दूरदर्शनम् द्रष्टुम् सभाजन कक्षम् आगच्छते।